कहते हैं कि कुछ करने का जज्बा होता है तो बड़ी से बड़ी मंजिल आसान हो जाती है। जी हाँ, मुरादाबाद जहाँ पीतल नगरी के नाम से मशहूर है तो वहीं खेल के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुरादाबाद के टेबल टेनिस खिलाड़ी कुणाल अरोड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 पदक जीतकर मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। मुरादाबाद लौटने पर युवा खिलाड़ी का सभी ने अभिवादन किया और मुरादाबाद शहर के लिए गौरव की बात बताई। जॉर्डन देश की अम्मान में 1 जून से 3 जून तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस ओपन चैंपियनशिप हुई। कुणाल अरोड़ा ने अपनी खेल के माध्यम से सभी के दिलों में जगह बनाई। प्रतियोगिता में भारत देश के अलावा अन्य देशों के भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारत देश का नेतृत्व करते हुए खेल के क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं सिटी चैनल से बात करते हुए कुणाल अरोड़ा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल लेकर नाम रोशन किया है। मैं पैरा टेबल टेनिस खेलता हूँ और मैं 6th क्लास में जब था तब से खेलता हूँ। पैरा का मतलब ये है जिनको थोड़ा शरीर में थोड़ा कोई परेशानी हो तो वो पैरा में खेल सकते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ खेले हैं तक? मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट खेला था, फिर स्टेट लेवल पे खेला था, अभी मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा हूँ और ये मेडल जीते हैं जॉर्डन में। कहाँ पर हुआ था ये टूर्नामेंट, कैसे जर्नी रही? ये जॉर्डन अम्मान में हुआ था और बहुत अच्छी जर्नी रही। इंडिया की टीम से मैं गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या क्या आपको वहां से प्राइज मिले? मेरे को सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है और मिक्स डबल्स में सिल्वर एंड मेंस डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है मैंने। क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने? अभी इस साल अक्टूबर में एशियन गेम्स है, उसके लिए मेहनत जारी है और नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स है तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक पहुँचने में किन लोगों का सहयोग रहा? सबसे पहला तो मेरे मम्मी पापा का बहुत अच्छा सपोर्ट है हमेशा से, और मेरे कोचेज भी बहुत कोऑपरेटिव है, उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। बाकी जो फेडरेशन है वो भी काफी सपोर्ट करती है हर जगह। अच्छा, कुछ लोगों में परेशानी होती है, जैसे आपके हाथ में थोड़ी सी परेशानी है, डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे लोग, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम उस परेशानी की तरफ ना जाकर जो अपने लक्ष्य की तरफ ज्यादा सोचें तो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। दिन में कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ पढ़ना है, क्या आपकी स्टडी चल रही है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया था और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली में एक अकेडमी है टेबल टेनिस फाउंडेशन, वहाँ पर मैं सुबह 7 से 10 वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन होता है, फिर शाम को 4 से 8 बजे प्रैक्टिस सेशन होता है। वहीं उनके पिताजी का ये कहना है कि यही चाहते हैं कि वे खेल के क्षेत्र में ऐसे ही नाम रोशन करें। सिटी चैनल से बात करते हुए कुणाल अरोड़ा ने उनके पिताजी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुने। ये मेरा बेटा लगभग पिछले 15 वर्ष से खेल रहा है, हम लोग जब से यहाँ प्रकाशिंग क्लब में शिफ्ट हुए थे इसका गेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं लॉन टेनिस खेलता हूँ पिछले 35 साल से, इसको भी मैंने लॉन टेनिस की शुरुआत कराई थी, लेकिन इसको थोड़े से हाथ पैर में परेशानी की वजह से भाग दौड़ में ज्यादा करनी पड़ती है टेनिस में, तो इसका रुझान जो है टेबल टेनिस की तरफ हुआ। तो अब हाल ही में कहाँ खेल के आए हैं, कैसा महसूस? अभी ये जॉर्डन गया था अम्मान में, इससे पहले भी ये 5 दौरे कर चुका है, जॉर्डन भी जा चुका है, थाईलैंड जा चुका है, थाईलैंड जा चुका है, चाइना जा चुका है, इजिप्ट जा चुका है, और इंडिया में तो ये नेशनल चैंपियनशिप 6 बार जीत चुका है जिसमें 4 बार गोल्ड मेडल जीता है और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इसने, और इंटरनेशनल भी ये 6 मेडल अब तक जीत चुका है, 1 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है, 2 सिल्वर किए हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल कर चुका है ये। क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, बस हम ये चाहते हैं कि ये खुश रहे, हमें अपेक्षाएं तो जो ये कर रहा है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं हर माँ बाप को, और उनसे बढ़ करके कर रहा है ये, लेकिन बस हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये अपने जीवन को एंजॉय करे और जो इसकी मेहनत है ऊपर वाला इसके हर सपने को पूरा